बहुत ज़्यादा सीखें। इस बार जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, और जो प्रथम द्वितीय नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा लगातार बच्चों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से क्विज प्रतियोगिता तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में सिवान सदर की एनवाईबी दिव्या के द्वारा आर्यभट्ट एकेडमी में स्वच्छ भारत प्रस्तुति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जज के रूप में आर्यभट्ट एकेडमी की डायरेक्टर माला मैम, वहीं चंद्रा क्लासेस के डायरेक्टर श्री मनीष चंद्रा सर उपस्थित थे। बता दें कि इस मौके पर मौजूद चंद्रा सर ने बताया कि वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं तथा बच्चों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करते हैं। इस मौके पर काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। यह एक बेहतरीन पहल है और मेरा मानना है कि इससे छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होगा, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इससे, और हमारी कोशिश होगी कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम हो जिससे कि वो और ज़्यादा सीखें। इस बार जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, और जो प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। जिन्हें पुरस्कार नहीं मिल सका उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, आगे उन्हें प्रयास करना है, और प्रयास करना अधिक आवश्यक है। निरंतर प्रयास से सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी होने चाहिए। शुभ नाम बता दें। मेरा नाम मनीष चंद्र, मैं चंद्रा क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। पता क्या है? चंद्रा क्लासेस सिवान के सिसवन ढाला पर BPSC तथा UPSC की तैयारी के लिए एक संस्थान है, जहाँ की छात्रों का मार्गदर्शन किया जाता है इन दोनों परीक्षाओं के लिए। मैं इसको लेकर कहूँगी कि नेहरू युवा केंद्र के द्वारा हमेशा ब्लॉक स्तरीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, हमेशा हर जगह पे कराई जाती हैं। यहाँ भी आर्यभट्ट एकेडमी में कराई गई मेरे द्वारा, और जिसमें फर्स्ट प्राइज मिला अभी को, और सेकंड प्राइज मिला संजय को, और थर्ड प्राइज मिला सपना कुमारी को। मैं इन सब प्रतिभागियों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं सबसे पहले आभारी हूँ नेहरू युवा केंद्र का, आर्यभट्ट एकेडमी का, और अपने गुरुजन लोगों का आभारी हूँ, चंद्रा क्लासेस का आभारी हूँ। और यही कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की प्रतियोगिता हमेशा कराते रहनी चाहिए, क्योंकि युवाओं को एक सफल बनाने के लिए प्रतियोगिता और कंपटीशन होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि युवा अपने आप को जांचता है कि हम किस लेवल तक पहुँचे और हमारे में क्या कमी है, हम आगे क्या करना चाहते हैं। इस तरह से प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए। हमारा आज का टॉपिक था स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में, और स्वच्छता संबंधी प्रश्न थे सारे, टोटल 44 प्रश्न थे जी। मेरा उसमें 33 सही है, 33। अभिजीत अभिनंदन नाम है मेरा। एनवाईटी के तत्वाधान में एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित है, आपका भी स्थान रहा इसमें, इसको लेकर क्या? मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट की हूँ। मुझे इससे पहले इसके बारे में पता नहीं था, पर इस कोचिंग में आई हूँ तो मुझे पता चला, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतना स्थान पे आई हूँ, और आगे भी चाहती हूँ कि ऐसे कंपटीशन हो और उसमें भाग लूँ। और ऐसे एक कंपटीशन करने से एक स्वच्छता और एक युवा शक्ति के रूप में हम जानेंगे, उसके लिए आगे सबको मोटिवेट करेंगे कि आगे सब कोई एक युवा शक्ति के रूप में उभरे। मेरा नाम सपना कुमारी है, मैं थर्ड पोजीशन पे आई। क्या कहेंगे? आई एम लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्विज एंड आई रियली फील वेरी गुड। आई एम वर्किंग हियर अंडर माय टीचर मनीष सर एंड माला मैम, दे आर वेरी गुड फॉर अस। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब सर ने हमें बिल्ड किया है, दे बोल्ड अस, और उनके ही मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम संजय कामेश्वर अमन। जो प्रतियोगिता हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले सबसे पहले अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम माला मिश्राम है और मैं आर्यभट्ट एकेडमी की डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी कहते हैं तैयारी कराई जाती है।
आज जो कार्यक्रम हुआ है नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी इसी तरीके का प्रोग्राम होता रहे, ताकि बच्चों का जो मार्गदर्शन है, उनका जो मनोबल है, उनको जो समझने और सीखने की जो क्षमता है वो और विकसित हो सके। और नेहरू युवा केंद्र जो है जिस तरीके से कार्यक्रम करता है, और हम इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे संस्थान को चुना और अपना इस कार्यक्रम को हमारे यहाँ प्रेजेंट किया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसके लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे इस कार्यक्रम को कराने के लिए, और जो भी कुछ अगर चीज़ें अगर होंगी तो हम उसको भी करेंगे। और आज हमारे यहाँ से जो बच्चे करते हैं इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके भाग लेके प्राइज जीते हैं, और बहुत अच्छा उनका आज का जो करते हैं भागीदारी थी, बहुत अच्छी थी और सभी ने बहुत अच्छा किया है। और मैं चाहूँगी कि भविष्य में उन लोग और अच्छा करें जिन्होंने नहीं जीता है इस मोमेंटो को और सर्टिफिकेट को, भविष्य में वो भी जीते, और यही दुआ करती हूँ। और आज के जीते हुए पार्टिसिपेट जो करते हैं विद्यार्थी हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरीके से मन लगा के पढ़े और आगे बढ़े।